हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आजादी का अमृत महोत्सव 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन शिवगंज, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सिरोही के द्वारा शिवगंज मुख्यालय पर आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी का समापन समारोह गांधी जीवन दर्शन समिति शिवगंज के संयोजक हरीश परिहार, सह संयोजक सोहनलाल सितारा, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेशन के लुम्बा राम ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह की जीवनी पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर गांधी जीवन दर्शन समिति शिवगंज के संयोजक हरीश परिहार ने स्वच्छता के महत्व एवं महात्मा गांधी गोकुल भाई भट्ट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को स्वतंत्र सेनानियों से देश सेवा की प्रेरणा लेने की अपील की। प्रारंभ में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सिरोही के प्रभारी अधिकारी फूलचंद गहलोत ने अतिथियों का स्वागत करते हुए 3 दिवसीय प्रदर्शनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस प्रदर्शनी में आजादी से जुड़े 50 पैनलों के माध्यम से 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलनों एवं घटनाओं को दर्शाया गया है। इसके अलावा राजस्थान से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों जिसमें नसीराबाद, मानगढ़ धाम जिला बांसवाड़ा, बिजोलिया जिला भीलवाड़ा तथा दाबड़ा जिला नागौर को भी दर्शाया गया है। प्रदर्शनी को देखने के लिए शिवगंज ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रा के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम प्रदर्शनी के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जागरूक टीवी के शिवगंज से खास रिपोर्ट।